हे गाइस, दिस शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो मेरे पीछे आप लोग देख के समझ तो गए होंगे, हम लोग आए हैं मल्लिका अर्जुन दर्शन करने के लिए। ये श्री सैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, लोकल आप लोग यहाँ क्या घूम सकते हैं, लोकल क्या ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ पर लैंग्वेज का कैसा बैरियर, और एक बजट समरी देने वाला हूँ इन द एंड। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। आप लोग यहाँ तीन तरीके से आ सकते हैं, आप लोग फ्लाइट से, आप लोग ट्रेन से, आप लोग बस से, तीन तरीके से आ सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप लोग हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को 250 किलोमीटर पड़ जाता है ये। और सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ का रास्ता शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है। फिलहाल 9 बजे से 6 बजे तक बंद है, मगर नॉर्मली 6 से 6 बंद रहता है रात के। तो प्लान आप वैसा करिए, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, टाइगर रिजर्व है, तो उसकी वजह से ये बंद कर देते हैं, रात में खतरा है यहाँ पर आने के लिए। दूसरी चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हैदराबाद से, विजयवाड़ा से, बैंगलोर से, चेन्नई से अच्छी कनेक्टिविटी आप लोगों को बस की यहाँ मिलेगी। अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो मरकापुर सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, कुछ 90 किलोमीटर पड़ जाता है, और करनूल करके एक रेलवे स्टेशन है, कुछ 150 के आसपास किलोमीटर है वो, वहाँ पर आप लोग ट्रेन से आ सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को बस की कनेक्टिविटी मिलेगी, आप लोगों को प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग लोकली यहाँ घूम रहे हैं तो कैसे घूम सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आके यहाँ पर ऑटो प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ कहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी आपको डॉर्मेट्रीज और सदन मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगी प्राइवेट रुकने के लिए। अगर आप लोग डॉर्मेट्री या सदन में रुक रहे हैं तो सदन में आपको डॉर्मेट्री बेड 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा। नॉन एसी रूम आपको 400 से 500 रुपए में मिल जाएगा। एसी रूम आपको 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हैं तो आप लोग इसको एडवांस में बुक करके ही आए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फूड ऑप्शन की। तो श्री सैलम में आपको काफी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे देखने मिलेंगे। लोकल आंध्रा कुजीन का मजा ले सकते हैं आप लोग यहाँ। यहाँ पर आप लोगों को डोसा, इडली, वड़ा और राइस की काफ़ी डिशेस देखने मिलेंगी। आंध्रा थाली आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी। मल्लिका अर्जुन मंदिर में फ्री भोजन का भी प्रावधान है, जो सभी डिवोटीज के लिए किया जाता है। यह मील मंदिर के डाइनिंग हॉल में सर्व होती है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। तो अभी बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है बेसिकली, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, हिंदी नहीं समझते हैं बहुत ही, 5 से 10% लोग हिंदी समझते हैं। इंग्लिश का भी वही है, 5 से 10% इंग्लिश समझते हैं। तो अगर आप लोग टैक्सी ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को वो गाइड कर देगा। बाकी यहाँ पर 4-5 जगह हैं घूमने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे साक्षी गणपति मंदिर में, उसके बाद आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, आइए। साक्षी गणपति मंदिर, ये माना जाता है कि गणपति बप्पा यहाँ आने वाले भक्तों का नाम लिख लेते हैं जो श्री सैलम दर्शन करने आते हैं, इसलिए इसे साक्षी गणपति मंदिर कहा जाता है। मंदिर के आसपास ही आपको लश ग्रीनरी और सीनिक व्यूज मिलेंगे, जो इस जगह को और भी स्पेशल बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर दर्शन करें, फिर मंदिर से दर्शन करने के बाद आप लोग जाएं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मल्लिका अर्जुन, जो कैलाश का साउथ भी कहा जाता है, यह मंदिर ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर आता है। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदिर की टाइमिंग की। तो मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है, टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं एंट्री टिकट और फीस की। तो यहाँ पर आपको अलग अलग दर्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला फ्री दर्शन, फ्री दर्शन में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं दर्शन करने में। दूसरा शीघ्र दर्शन, शीघ्र दर्शन में आपको 150 रुपए की टिकट लेनी होगी, टिकट आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। शीघ्र दर्शन में आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है दर्शन करने में। उसके बाद आता है अति शीघ्र दर्शन, जिसमें आपको 300 रुपए देना होगा, उसका भी आप ऑनलाइन पहले से बुकिंग करके आए हैं। फिर उसके बाद होता है स्पर्श दर्शन, स्पर्श दर्शन में आप लोगों को एक ड्रेस कंपलसरी होती है, धोती और लुंगी पहननी पड़ती है, और लेडीज़ के लिए आपको साड़ी पहननी पड़ती है। इसके टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये 3 टाइम ही ओपन होता है बेसिकली, और इसका जो टिकट होता है वो 500 रुपये का होता है। अगर आप पेड प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर के प्रसाद काउंटर पे अलग अलग टाइप के प्रसाद अवेलेबल हैं, जो नॉमिनल चार्जेस में आप लोगों को मिल जाते हैं। मल्लिका अर्जुन सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक महाशक्ति पीठ भी है। यहाँ पर आपको माँ पार्वती की डिवाइन प्रेजेंस मानी जाती है, जो इस मंदिर को और भी पवित्र बनाती है। बहुत पहले भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश में एक कंपटीशन हुआ, सबसे पहले शादी किसकी होगी। भगवान शिव ने कहा कि जो पहले
तीन बार दुनिया के चक्कर लगाएगा उसकी पहले शादी होगी। कार्तिकेय अपने वाहन मोर मतलब पीकॉक पर बैठकर तुरंत निकल गए, पर गणेश जी अपने वाहन मूषक मतलब माउस पर तेजी से नहीं चल सकते थे। तब उन्होंने एक चतुराई भरा आइडिया सोचा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के तीन बार परिक्रमा किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया हो। इस प्रकार गणेश जी की जीत हुई और उनकी शादी पहले हुई। जब कार्तिकेय को ये पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर पृथ्वी छोड़ दी और क्रुंचा पर्वत पर चले गए। अपने बेटे को दुखी देखकर माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां गए। यही स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिलिंग कहलाया। मल्लिकार्जुन ज्योतिलिंग एक पवित्र तीर्थ है। यहां पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। यहां पर आप दर्शन करने के बाद जाएं उमा रामा लिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल। यहां पर आप दर्शन जरूर करें जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं। यहां पर दर्शन करके निकल जाएं आप पाताल गंगा के लिए जो यहां से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पाताल गंगा को पाताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गंगा एक डीप वैली में फ्लो करती है। यहाँ की सीरीन ब्यूटी और ट्रैंक्विल वाटर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। पाताल गंगा आप दो तरीके से जा सकते हैं। पहले आप 650 सीढ़ियाँ उतर के जा सकते हैं, और आप सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते तो आप लोग रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसका किराया 80 रुपये पर पर्सन होगा। यहाँ पर आप नीचे जाके पानी में डुबकी भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको बोट राइड की सुविधा भी मिलेगी, जिसके लिए आपको 80 रुपये देना होगा। यहाँ की सराउंडिंग हिल्स और लश ग्रीनरी के बीच आपको एक बहुत ही पीसफुल ट्रिप का आनंद होगा। पाताल गंगा के आसपास के टेंपल और ट्रैकिंग ट्रेल्स भी यहाँ की जर्नी को बहुत ही एक्साइटिंग बना देते हैं। चलिए अब शॉपिंग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो मंदिर के आसपास आपको काफ़ी छोटी छोटी दुकान मिलेंगी जहाँ आपको रिलीजियस आइटम जैसे आइडल्स, रुद्राक्ष माला और डिवोशनल सीडी मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को कुछ परचेस करना है तो आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हैं। पाताल गंगा के बाद आप लोग जा सकते हैं चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपये की होती है। आपको ये म्यूजियम में चेंचू कम्युनिटी की लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन और आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको एशियन टूल्स, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले आइटम्स देखने को मिलेंगे। म्यूजियम का एनवायरनमेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग है। यहाँ से आप लोग जा सकते हैं पालधारा पंचधारा, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। अगर आप लोग बारिश में आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। और ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका नाम पाला और धारा के कॉम्बिनेशन से आया है, जिसका मतलब है मिल्क स्ट्रीम। ये वाटरफॉल क्रिस्टल क्लियर वाटर है और सराउंडिंग ग्रीनरी आपको अलग ही एक्सपीरियंस देगी। यहाँ का एटमोसफियर बहुत ही काम और रिफ्रेशिंग होता है, और ये स्पॉट ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स के लिए परफेक्ट है। आप लोग ज़रूर यहाँ विजिट करें। यहाँ पर विजिट करने के बाद आप लोग श्री सैलम डैम ज़रूर विजिट करें। श्री सैलम डैम अपने आप में एक बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। ये डैम 300 मीटर से ज़्यादा लंबा है और 145 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है। यह डैम इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ आप बोटिंग और फिशिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। डैम के आसपास लश ग्रीनरी और पैनोरामिक व्यू आपको एक अलग ही पीसफुल एक्सपीरियंस देता है। यहाँ से सनसेट आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस करें लौटते में। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। तो बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पर विंटर्स रहेगा, अक्टूबर टू फेब, और आप लोग यहाँ पर मॉनसून में भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए मोबाइल नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल नेटवर्क आपको ऑन द वे थोड़ा वीक मिलेगा, मगर आप जैसे ही ऊपर पहुँच जाएंगे श्री सैलम पर्वत पे, तो आप लोगों को नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बजट की बात कर लेते हैं। अगर आप कपल या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और हैदराबाद से बस ले रहे हैं तो नॉन एसी 450 और एसी 525 रुपये का किराया लगता है। 5 से 6 घंटे में आप आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोग 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो टैक्सी ले सकते हैं। टू एंड फ्रो का 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, और अगर आप लोग एक साइड आने वाले हैं तो 3.5 से 4 हज़ार रुपये चार्ज होता है। नॉर्मली यहाँ पर 1-डे ट्रिप ही करते हैं, सुबह आके शाम को वापस हो जाते हैं। आपको बजट अकोमोडेशन यहाँ पर 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा। तो आपका ये ट्रिप 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन में आराम से हो सकता है, अगर आप लोग हैदराबाद या विजयवाड़ा से ट्रैवल कर रहे हैं तो। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो श्री सैलम जा रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। बाय बाय, टेक केयर।